आपके एपीएमटी 2015 के अंदर पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर जो है इन द मेमेलियन आयोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, यानी ब्लड प्रेशर जो मेमेलियन आयोटा है उसके अंदर मैक्सिमम कब होता है। तो पहली चीज तो ये कि जो ये आपका हार्ट है ये चार पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। इसके अंदर से आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहां से निकलता है आपका आयोटा। तो जब यहां से आपका आयोटा निकलता है तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इसके अंदर प्रेशर मैक्सिमम तब होगा जब आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन होगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन के दौरान आपके आयोटा के अंदर प्रेशर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर दूसरे शब्दों में सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल केस में आपका आयोटिक प्रेशर, आयोटिक ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर दिया हुआ डायस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल के डायस्टोल से यहाँ पर आपके पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ना कि आयोटा के अंदर। और यहाँ पर दिया हुआ सिस्टोल ऑफ लेफ्ट एट्रियम या डायस्टोल ऑफ राइट एट्रियम, तो आट्रियम से आपके आयोटा जुड़ा नहीं होता है।